नमस्कार, अनंत यात्रा में स्वागत है आपका। मैं विजय दीक्षित। जैसा कि आप देख रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 5 और 6 नवंबर 2019 को युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये स्टूडेंट के द्वारा क्ले मॉडलिंग आर्ट का निर्माण है। मैं इसमें मिलवाना चाहूँगा कि इनको एक थीम मिली हुई थी, मनुष्य और जानवर। मैं मिलवाना चाहूँगा कि इसके निर्माता जो है उनके बारे में पूछना चाहूँगा। हेलो, आई एम अनुभव सोनी और मैं MBA अभी फर्स्ट सेम में हूँ और मुझे ये थीम मिली थी मानव और पशु, तो उसमें मैंने ये बनाया। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। इनकी थीम आप देख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने भगवान बुद्ध को बनाया हुआ है, साथ में पेड़ पौधे सभी कुछ है। आप अपना नाम और कॉलेज? शुभम पहाड़े फ्रॉम PG कॉलेज। थोड़ा सा लाउडली बोले। शुभम कुमार पहाड़े फ्रॉम PG कॉलेज छिंदवाड़ा। ये थीम के पीछे कुछ और बताना चाहेंगे अलग से? मनुष्य और जानवर। मनुष्य और जानवर को इसका डर खत्म करने के लिए, बस वही है। मनुष्य और जानवर के प्रति जो है, मतलब खाना वगैरह देना, उनको प्रेम करना, उनका मतलब नुकसान नहीं पहुँचाना। और जैसे जानवर कई बार हेल्प करते हैं, जैसे कि वो पीछे एक इंसान डूब रहा है, उसको उसका बैल जो है रस्सी खींच के बाहर निकाल रहे हैं, वो इंसान को मतलब जानवर को खिला रहे हैं, केयर कर रहे हैं, बंदर को केले वगैरह दे रहे हैं। ये नैतिकता मानवता है। जैसा कि आपने सुना, नैतिकता और मानवता के आधार पर पे इन्होंने भगवान बुद्ध को बनाया और साथ में उनकी शिक्षाएँ देते हुए कि मनुष्य जो है वो जानवरों को किस तरह से सिक्योर कर सकता है, कैसे बचा सकता है, और बिना मनुष्य और जानवर एक साथ रहे पृथ्वी नहीं बच सकती, ये इनका संदेश। आइए हम नेक्स्ट कंटेंटेंट्स की तरफ चलते हैं। आप अपने बारे में बताएंगे कुछ? इनकी थीम जो है, थीम यहाँ पर पे कॉमन है, मनुष्य और जानवर। अपना नाम बता दीजिए। जोर से बोल दें थोड़ा। कहाँ से हैं? बहुत ही अच्छे इन्होंने बनाया हुआ है। आइए और नज़दीक से देखते हैं अपन। मनुष्य और जानवर इनकी थीम। यहाँ पे जितने भी हमको क्ले मिलेंगे वो सभी मनुष्य और जानवरों के बेस पे हैं। और सभी जगह ये बताया गया है कि अगर हम जंगलों को बचाना, जब तक जंगलों बचाना जारी नहीं रखेंगे तब तक मनुष्यों का बचना असंभव है। आइए हम अगले कंटेंटेंट्स मिलते हैं। इन्होंने पूरा जंगल बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे जानवर, मनुष्य, छोटे छोटे गमले बनाए हुए हैं। ये सभी चीज़ें हमको देखने मिल रही। घर भी बना हुआ है, पेड़ पौधे, एक छोटी सी बगिया बनाई हुई है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। नाम? चंद्रकांत सुनवाने। कहाँ से हैं? कटंगी। कटंगी कौन सा कॉलेज? राजा भोज महाविद्यालय। बहुत ही बढ़िया, बधाई हो आपको। अब इनके जीत हार की बारे में बाद में जज डिसीजन लेंगे, लेकिन कुछ भी कहिए, नो डाउट कि बहुत ही शानदार इन्होंने बनाया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट कंटेंटेंट्स के पास चलते हैं। इन्होंने पूरा एक जंगल बनाया हुआ है जैसे कि हम देख पा रहे हैं। एक तरफ सूर्य भी बना हुआ है और हाथी भी है और पेड़ों की टहनियां हैं, पक्षियों के टूटे हुए अंडे हैं, ये आप देख पा रहे हैं सभी। मतलब पूरा एक इन्होंने जंगल बनाया है जिस तरह से क्लियर होता है यहाँ पर पे मानव और पशु, इसको बेस करके इन्होंने दिया हुआ है। पूरी तरह से बताया है कि जंगल जब तक नहीं रहेंगे मनुष्य नहीं रहेगा। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। मेरा नाम नेहा मेहरा है, मैं नरसिंहपुर से आई हूं, MIMT कॉलेज। ये थीम के बारे में कुछ और बताइए। सर, ये थीम के बारे में ये है कि ये लकड़हारा है, ये वृक्ष काट काट के थक गया है, तो ये पेड़ की छाया के नीचे विश्राम कर रहा है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जंगल पूरा विनाश हो जाएगी। जंगल रहेगा नहीं, और ये पेड़ काट काट के इमारतें बनती जा रही हैं, और पक्षियों के जो अंडे दिए हुए थे टहनियों पे वो टूट गए हैं। पक्षी दूसरे पेड़ पे जा चुके हैं, उनका घर पूरा उजड़ गया है, घोंसला टूट गया है, और हाथी भी एक तरह से जानवर भी कम होते जा रहे हैं। जंगल नहीं रहेगा तो
तो आपने सुना इनकी खुद की जवानी, इन्होंने जो बनाया हुआ है कि जानवरों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीव जंतु हैं, जिनके आधार पर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और मनुष्य भी बच सकते हैं। आइए हम देखें इनके, इन्होंने कुछ नया बनाने की कोशिश करी, हालांकि इनका भी थीम वही है, मनुष्य और जानवर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम दिनेश पुराठे सर, मैं आरडी कॉलेज मंडला से आया हूँ। सर, मेरे को आज थीम मिली थी पशु और मनुष्य, तो सर मैं तो सिंपली बना सकता हूँ पशु और मनुष्य, लेकिन मैंने कुछ स्पेशल करना चाहा। सर, मैं ट्रैवल एरिया का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज भी हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे उद्योगी आई हैं, विस्तार हुआ है, जो मशीनें आ गई, लेकिन मैं एक किसान हूँ समझिंग, तो मैं अपने जो पारंपरिक जो खेती है उसको मैं पशु और मानव के बीच में एक संबंध जोड़ने का काम किया। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं खेती हो रही है जी, और इस तरह से हम इनको बधाई देते हैं कि बहुत ही इन्होंने अच्छी चीज़ बनाई है। आप बने रहिए अनंत यात्रा पे। धन्यवाद।